नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। हिसार बिजली विभाग की टीम ने तारों के लिए सैंपल, टोल पर लगी 5 फुट की तारों को सैंपल लेकर के भेजा। शहर में बिजली चोरी को रोकने के लिए पिछले कुछ समय से पूर्व करोड़ों रुपए खर्च करके लगाई गई थी तारें। इंसुलेटेड तारों के निम्न स्तर की होने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बिजली विभाग की टीम ने बिजली की तारों के सैंपल लेकर के लैब में जांचने के लिए भेजा है। आप देख रहे हैं पलपल रानिया से ओपी वर्मा की ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि बिजली की चोरी रोकने के लिए इंसुलेटेड तारें लगाई गई थी, जो कि गर्मी के मौसम में बढ़ते लोड और तापमान के कारण आए दिन इन तारों में आग लगने की घटनाएं आम हो रही थी और ये तारें मोम की तरह पिघल रही थी। बिजली की तारों के जलने के कारण कई कई घंटों तक बिजली सप्लाई बंद रहने लगी। उपभोक्ताओं की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों ने 4 सदस्यों की एक कमेटी गठित की और कमेटी गठित करके मामले को पूरी तरह से जांच करने के लिए निर्णय लिया। टीम का नेतृत्व कर रहे कार्यकारी अभियंता विजेंद्र सिंह ने बताया कि बिजली विभाग की टीम ने जीवन नगर रोड पर स्थित नामधारी गुरुद्वारा के सामने वाली गली में 2 पोल के बीच में लगी तारों को कटवाकर सैंपल जांच करने के लिए भेजा है। लिए गए सैंपलों को मौके पर सभी अधिकारियों की मौजूदगी में सील करवा करके जांच के लिए लैब में भिजवाया दिया है। बिजली के तारों के सैंपल ले रहे अधिकारियों ने बताया कि यदि इन तारों की लैब जांच में विभागीय मापदंडों के अनुसार निम्न स्तर की पाई जाती है तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा तारों को विभागीय मानदंडों के अनुसार ही लगवाया जाएगा। ओम प्रकाश वर्मा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब पे इसको देखिए।